शहीद सहाफी जो है वो सहाफियों की हयात है और अरशद शरीफ का कत्ल जो है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और पीएफयू जे हर इंटरनेशनल लेवल तक इसका जो है एहतजाज करेगी और हम मुतालबा करते हैं कि ये अकवाम मुतहदा के तहत एक कमेटी कायम की जाए और फैक्ट्स एंड फाइंड कमीशन कायम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो ये वाकया जो पेश हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पीएफयूजे की तरफ से और ये एक इंटरनेशनल जो मर्डर हुआ है इस हवाले से हम अपनी जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उनको भी कहते हैं कि इसका एक्शन लिया जाए। देखिए ना कि सहाफी अपने मुल्क और बैरून मुल्क कहीं पर भी महफूज नहीं है, सहाफियों को तहफ़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सहाफियों को तहफ़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अच्छे इकदाम करने चाहिए। अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल की हम शदीद मुज़म्मत करते हैं और आलमी तंजीमों से बैनुल अक़वामी तंजीमों से हमारा ये मुतालबा है, मीडिया की इंसानी हकूक की जो तंजीम है, कि इस कत्ल के हकायक कौम सामने लाए जाएं ताकि दुनिया को पता लगे कि ये अरशद शरीफ का ये हादसा नहीं, ये कत्ल था और ये एक साजिश थी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। सहाफी जो है वो मुआशरे की आंख होता है पाकिस्तान की, आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो सहाफी महफूज नहीं है, कत्ले आम जो है वो कर दिया जाता है। हमारा फिल वक्त जो मुतालबा है वो हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि इज्जत व तकरीम के साथ जो है वो हमारे सीनियर सहाफी जो शहीद हो गए उनकी डेड बॉडी को जो है वो वापस पाकिस्तान लाया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इसकी तहकीकात करवाई जाए कि ऐसे कौन से अनासिर शामिल हैं जो ये वकूआ सरजद हुआ है। हम नहीं मानते।